आज हम बात करने वाले हैं 2024 में आने वाली टॉप 5 मोस्ट एंटिसिपेटेड पाकिस्तानी मूवीज़ के बारे में। वैसे तो काफ़ी सारी आ रही है नेक्स्ट ईयर, लेकिन हम जो आज बात करेंगे वो सिर्फ टॉप 5 ही होंगी। जो नंबर 5 पे आती है वो 2024 की लास्ट में आने वाली मूवी 100 करोड़, ये मूवी का नाम है, जो कि लास्ट ईयर ही अनाउंस की गई है। और इसकी कास्ट में हम जावेद शेख, सना फ़खर, नूर हसन और एक इंडियन एक्ट्रेस हैं, कोई ड्रामा एक्ट्रेस हैं, रेहाना मल्होत्रा, इसमें कास्ट की गई हैं। जहां तक इसके प्लॉट की बात की जाए तो इसका प्लॉट अभी तक रिवील तो नहीं किया गया, लेकिन अंदाज़ा लगाया गया है कि इस मूवी का प्लॉट 100 करोड़ के स्कैम के इर्द गिर्द ही घूमेगा। वॉर 2 नंबर 4 पे आती है। वॉर मूवी जिसने पाकिस्तानी सिनेमा को रिवाइव किया था 2013 में, उसका सीक्वल 2014 में ही अनाउंस कर दिया गया था, जिसकी रिलीज डेट 2017 बताई गई थी। लेकिन बात वही आई कि इस मूवी को भी डिले होना पड़ा। बाकी सारी पाकिस्तानी मूवीज़ की तरफ से कुछ डायरेक्टर्स और कुछ एक्टर्स के मसले की वजह से तो अब रूमर्स यही आ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा वॉर 2 को। और इसकी कास्ट में शान शाहिद एज यूजुअल, उसके अलावा आयशा उमर, बिलाल अशरफ और माया अली को भी कास्ट किया गया है। तीसरे नंबर पे आती है मूवी नीलोफर हमसफर और द लेजेंड ऑफ मौला जट। मूवी के बाद हमें फवाद खान और मायरा खान की केमिस्ट्री फिर से ऑन स्क्रीन देखने को मिलेगी। कास्ट में फवाद खान, मायरा खान के अलावा फैसल कुरैशी, गौहर रशीद, बहरोज और मदीहा अहमद भी हैं। इस मूवी को 2022 में ही रिलीज हो जाना था, लेकिन कुछ मसले के चलते इसे भी डिले होना पड़ा और अब ये 2024 में एट लास्ट रिलीज हो जाएगी। नंबर 2 पे जो आती है वो है द ग्लास वर्कर। द ग्लास वर्कर एक पाकिस्तानी एनिमेटेड मूवी है और इसके नंबर 2 पे आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं एनिमेशन और एनिमेटेड डिपार्टमेंट का काफ़ी बड़ा एडमायरर हूँ, मैं देखता हूँ। और पाकिस्तानी एनिमेटेड मूवीज़ की बात की जाए तो जो लास्ट में कुछ मूवीज़ आई हैं, डोंकी किंग और तीन बहादुर की सीरीज़ और द लेजेंड ऑफ अलायार की सीरीज़, तो वो काफ़ी लोगों को पसंद आई हैं और लोग इसके बारे में बात भी करते हैं। इस मूवी को ना सिर्फ उर्दू बल्कि इंग्लिश में भी रिलीज़ किया जाएगा और इस मूवी को जो एनिमेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट, वो मोना के नाम से है कोई एनिमेशन स्टूडियोज कराची में, जिन्होंने कुछ काम किया है बाहर के मुल्कों में। उनका जो ऑनर और इस मूवी का डायरेक्टर है उस्मान रियाज, वो पाकिस्तानी म्यूजिशियन, एक्टर और इस मूवी को डायरेक्ट भी करेंगे। और जो नंबर 1 पे आती है वो ऑब्वियसली उमरो यार है। इसका टीजर देखने के बाद पता चला कि पाकिस्तानी भी अच्छा काम कर सकते हैं VFX और CGI डिपार्टमेंट में। इसका टीजर काफ़ी प्रोमिसिंग लग रहा था और इसमें अली काजमी और फरहान अख्तर, हमजा अली अब्बासी, सनम सईद और इसका जो मेन एक्टर होंगे वो होंगे उस्मान मुख्तार और सना फ़खर। मूवी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है तो इसका काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। इसे 2022 में रिलीज़ होना था लेकिन अभी तक नहीं हुई, तो बाकी देखते हैं फिर आगे इस मूवी के बारे में क्या सुनने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।